कोई तकलीफ है? शिव बाबा पढ़ाने आया, बाबा ने कहा पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? जैसे पल कल थे ऐसे आज भी है, कल भी ऐसे ही होंगे। उसको कहते हुबहू रिपीट ड्रामा, हुबहू रिपीट। कल भी गुस्सा करते थे, अभी रोज सेंटर में 10 साल से ज्ञान में चल रहे हो, अभी भी गुस्सा कर रहे हो। 10 साल के बाद शरीर छोड़ दे सत जाएंगे, जन्म लेते वहां भी गुस्सा करेंगे, तो हुबहू रिपीट हो गया? परिवर्तन हुआ? संगम पर ज्ञान और योग से कल गुस्सा किया था, आज गुस्सा ये भाई करेगा, लेकिन मुझे नहीं करना है। ज्ञान और योग से उसको परिवर्तन करना है, नहीं करना है, रोकना है। चाहे वो कितना भी गुस्सा करने दो, मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे शिव बाबा ने श्रीमत दिया, बच्चे आप चुप रहो, मैं देख लूंगा। उस समय बाबा को इसका, बाबा आपने कहा था चुप रहो, आपकी श्रीमत पर हम कर रहे हो, सहन करते हैं, तो बाबा मदद कर। संस्कार को परिवर्तन तो सत्युग में आएंगे, आपके हाथ में है। अगर नहीं करते हो ड्रामा फिक्स, आपने फिक्स किया, बाबा ने नहीं किया। आपने अगले टाइम भी गुस्सा किया, अभी भी किया, कल भी करेंगे आप। समझ में आया? ड्रामा किसको कहते हैं? आपके हाथ में भगवान आया है परिवर्तन कराने के लिए। इसलिए बाबा मुरली में दोनों शब्द बताता है। कभी बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा फिक्स है, कभी कहता आपके हाथ में कलम दिया है, जितनी लंबी रेखा खींचना चाहते हो खींच सकते हो, खींचेंगे तो मिलेगा, नहीं खींचेंगे जैसे थे वैसे ही रहेंगे। दोनों आपके पास है, दोनों रास्ता दिखाता है। इस रास्ते पर जाना चाहते हो तो भी जा सकते हो, इस रास्ते पर जाना चाहते हो जो भी जा सकते हो, किसी को बंधन नहीं है, स्वतंत्रता है। तो किस रास्ते पर जाना चाहते हो वो आपके हाथ में है। सत्युग में आओ, त्रेता में आओ, द्वापर में आओ, कलयुग में आओ, आपके हाथ में है। मुक्ति चाहिए, जीवन मुक्ति चाहिए, आपके हाथ में है। भगवान विधाता, विधि बताता है। समझ में आया? याद किसको कहते हैं, योग किसको कहते हैं, तपस्या किसको कहते हैं।